मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डीएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 3 साल से। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके सामने वो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लगता तो बहुत ही भयंकर टर्म है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, व्यक्तिमत्व का डिसऑर्डर है और बहुत ही कॉमनली ये लेडीज और जेंट्स, फीमेल और मेल पेशेंट दोनों में दिखता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी मतलब होता क्या है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो न्यूरोटिक और साइकोटिक, यानी पूरी तरह पागल भी नहीं, आधे पागल भी नहीं, ऐसे बॉर्डर लाइन पे जिनकी पर्सनालिटी होती है उनको हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी बोलते हैं। ये जेंट्स में भी हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, बहुत ही कॉमनली ये पाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्नोसिस लोग कर नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि ये जो डिसऑर्डर है बहुत ही रेयर है। हम एज अ साइकेट्रिस्ट हम कॉमनली एक हर एक दिन लगभग 1 से 2 केसेस बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के देखते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है और हमने कैसे ढूंढना चाहिए कि ये पेशेंट को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कोई भी व्यक्ति अगर बार बार थ्रेटन करने लगे कि मैं मर जाऊंगी, हाथ काट डालूंगी, सुसाइड कर लूंगी, जंप करूंगी, मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। दूसरी बात ये है कि जब पर्सनैलिटी अनस्टेबल हो जाती है, कोई भी चीज अगर स्टेबिलिटी से हम नहीं कर पाते, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, रिलेशनशिप मतलब पेरेंट्स के साथ रिलेशन या बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशन, कोई भी जब रिलेशनशिप या कोई भी चीज जब स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते तो वो दूसरा सिम्टम है। जैसे बार बार रिलेशनशिप्स बदलना, फॉर एग्जांपल बार बार बॉयफ्रेंड बदलना या बार बार गर्लफ्रेंड्स बदलना, कोई भी व्यक्ति से न पट पाना, मेरी इससे पट्टी नहीं है, मेरी इससे जमती नहीं है, मेरे बार बार झगड़े होते रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। तीसरा सिम्टम है मूड स्विंग्स होना। अगर बार बार मूड स्विंग्स होते रहते, मूड स्विंग्स मतलब बहुत ज्यादा खुश होना और बाद में बहुत ज्यादा दुखी होना, कोई भी छोटे चीज में पेशेंट दुखी होने लगता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कमेंट पास कर दिया, तो पेशेंट बोलता है नहीं मुझे मरना ही बेहतर है, मेरे लिए जीने में कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लगता है तो समझ लेना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है ब्लैक एंड व्हाइट डिसऑर्डर। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब वो व्यक्ति हर चीज सफेद और काला, ये दोनों ही रंग में देखते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि एक मध्यम चीज भी हो सकती है, तो ऐसे सिम्टम भी दिखने लगते हैं। आगे के सिम्टम है कि अब्यूजिव होना, एंग्री होना, बार बार कोई भी चीज पे गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना, फेक फाक करना, घर में माँ बाप से झगड़ा करना, अपने दोस्तों से झगड़ा करना, तो ये सिम्टम दिखाई पड़ सकता है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर, आइडेंटिटी डिसऑर्डर मतलब खुद के अस्तित्व पे सवाल पैदा करना, ये भी सिम्टम हो सकता है। अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मतलब खालीपन, पेशेंट को ऐसा बार बार लगता है कि मैं खाली हूं, मेरे अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, मुझे जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। हाल ही में हमने एक पेशेंट देखा था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, जो कंटिन्यूअसली ये बोलते रहता था कि मुझे हमेशा खालीपन लगता है, लेकिन पेरेंट्स ने ध्यान दिया नहीं और अल्टीमेटली पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अपना जो फोरआर्म है वो ब्लेड से काटा और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पेशेंट को लगता है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो पेशेंट को बैंडेज करेंगे, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है पेशेंट का, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, वो ठीक करना जरूरी है। साथ ही में अगला सिम्टम है पैरानॉइड आइडियाज। पैरानॉइड आइडियाज मतलब पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि लोग मेरे बारे में गलत सलत बात कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में विचार कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डायमेंशंस के सिम्टम्स जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में हमें दिखते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि अगर आपको ये कोई भी व्यक्ति ऐसे पर्सनैलिटी में दिखता है तो उसे ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट क्या है ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगली वीडियोज लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।